बेटा विंदल, चाचा जी आपकी क्या इच्छा है? अगर मना कर दिया है बाबा तलंसी ने तो शादी तो होनी है, क्योंकि मैं वादा करके आया हूँ। तुम जाओ बेटा, हाँ, और अपने चाचा जी के पास जाओ मलखान के, और ये तुम्हारा मोहर है और उनके चरणों में रख देना जाकर के, चाचा जी अगर आप नहीं जाते हो तो हमारी शादी नहीं होती है। तुम बारात लेके चलो, पहले बाद में देख लेंगे। चलिए। ए उधर क्या है? आला महावीर कोट से और आए सजा बारात और रसद मंगा दे बना पल और सुना उदे चंदा। क्या इच्छा है आपकी? बारात बगीचों में रुकी है और उनने खबर पहुंचाई कि हमारे लिए रसद पहुंचा दें। और सुनो दे चंद बात समाती कहा आपके मन में, और हुक्म हो तो उन्हें रसद पहुंचाए दे बागन में। कहो आपको बदलो ले लू। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? तुम्हारी क्या है? कहो आपका बदला ले ले, हम लड़े लड़ाई रन में और मनली को अजमावे नरबरगर के खेतन में। और सीख दीजिए बलधारी, हाँ अब क्या तुम्हारी, हाँ और देख लो कितना दम है और बलख बुखारे को राजा का अभिनंदन कोई कम है। ये भी तो मालूम पड़ जाएगी कि कैसे अभिनंदन के यहाँ से शादी करके लाती हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो? मकरन, हाँ रसद नहीं पहुंचाओगे फिर क्या करूँ? क्या झगड़ा करोगे? तुम्हारी जो इच्छा है वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या इच्छा है? मेरी तो इच्छा ये है कि तुम ये कहो कि उनके लिए रसद पहुंचा दो तो मैं बगीचे में रसद पहुंचा दूं, तुम कहो कि बारात लूट लो तो मैं जबरदस्ती बारात को लूट सकता हूँ। बोलो क्या इच्छा है? शादी नहीं होना दोगे? नहीं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। बोलो बारात लुटवा लूं कि रसद पहुंचा दूं? लुटवा लो। तुम यहीं बैठो, मैं अभी बरात को लूट के लाता हूँ, उनको भी दिखा दूँ कि अभिनंदन को कैसे सर करेंगे। जाइए। पिताजी ऐसे ही शादी करके लाओगे मेरी? क्यों? रास्ता में ही तुमने ये क्या कर डाला? हम क्या करें, अकेले हैं। अकेले हो तो बोलो, अभिनंदन तो कितना बड़ा छत्री है, वहाँ शादी आप कैसे करके लाओगे? अब नहीं होगी शादी ऐसे इंदल, बिना मलखान के शादी नहीं हो पाएगी। और यही पे मोह ब्याह कर और ले आओगे आप, और रास्ता में छिनवा रहे तुम टटुआ टायर बाप। टटुआ टायर बाप, अरे सर कैसे हो बलख बुखारो, और चाचा को मरवाई आप अपनो परताप बिगाड़ो। आए बिन मलखान, आए बिन मलखान चचाव ब्याह नहीं होई हमारो, और के महुवे कुलट चलो सुत इंदल रही जई कुआरो। पिता सिख मेरी मानो, और विधि नाइ ठिकानो, वो कल हाथ जब समरे गो और बाबक्रद की मुस्क बांध नर बरगर गर्द करे गो। पिताजी इंदल, हाँ अब ऐसे शादी नहीं हो पाएगी, फिर क्या करूं? तुम जाओ मलखान के पास, तुम बुला के लाओ। चाचा जी मेरे कहने से नहीं आएंगे, तुम्हारे ही कहने से आएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ।
मैंने कहा चाचा मलखान के नमस्कार। नमस्कार, कहिए नल, कैसे आना हुआ? और चाचा आपके चरण में और धरो हमारा मार, और आज कृपा कर दीजिए न कहीं नल सुत पे गौर। नल सुत पर गौर करो तो है जय ब्याह हमारो, और बना फलन की भई दूर सब बिगड़ो नाम तुम्हारो। और टटुआ टायर छीन ले गयो वो मकरंद नरवर वारो, और भाई बीच में ये गत तो कैसे हो ब्याह हमारो। सजाओ जल्दी से ना तुम बिना काज सरे ना, अगर इनकार करो तुम और मोहर पाग पाजामा सब त्यारे मेरे आगे धरो तुम। छिनवा लिए मकरन राज नरवर का सरदार रास्ता में सब बरात को लूट के ले गया है, तो बोलो वहां कैसे शादी हो सकती है। तुम मेरे साथ जल्दी चलो। क्या इच्छा है चाचा जी, जल्दी चलो, मेरी ये सर की मोहर की इज्जत आपको रखनी। हम तो नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाओगे? बिल्कुल नहीं, अपने पिताजी को ले जाओ, भाई साहब से कह देना कि हमारी शादी करवा के लाओ। मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं समझ रहे हो आप, मेरे सर की मोहर की इज्जत नहीं समझ रहे तुम। खैर चलिए, चलता हूँ, चलो अब नंदन के पास। अब ऐसा है चाचा जी, ये तो बात हम तुम जानते हैं कि हमारे चाचा उदल अभी जिंदा हैं। मैं बरात लेकर के चलता हूँ, तुम और उदल अपनी फौज लेके पीछे आ जाना। चलिए। इत चली बरात, अरे नल की मलक बुखारे में पहुंची जाए, भारी सेना नरियाला की आगे आगे रही दबाए, और ताके पीछे जा रहा उधर संग में मकरन चलो सिहाए, और जाके पहुंचे पलक बुखारे मर्द सुनिया रज हमारे। दोस्तों इधर में बरात इंदल की बलक बुखारे में पहुंच जाती है, और उधर में चित्तर रेखा छर्जे पे इंतजार कर रही है बांदी से, क्या कहने लगी? ए बांदी मम कर में लिखो इन बिदले आदुनाए मो बियो रयो अबद दिन एक एक दिन एक दिन अबद में रहो बाकी कौन बिद धीर धरू। उदल चचा की नी दगा कैसे सबर मन में धरू, मछली के जो गत नीर बिन सो गत हमारी हो रही, पल पल महा व्याकुल विकल में सांस सीरी ले रही, जो आज दिन टल जाए तो तज दूंगी अपने प्राण रे। कोई चल में तन त्यागन करूं आली तू निश्चित जानगी, देखूंगी रास्ता शाम तक फिर घोल कर बिस पीऊंगी, आबेंग जो नहीं मो बिया हरगिज न बांधी जीऊंगी। ए बांधी एक दिन रह गया है, अगर वो कल यहाँ पर नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। अरे तू आँख खोल के देख चित्र रेखा, और सबर करो धीरज धरो,
होई निराश और निश्चय आवे माविया तू मन में रखी विश्वास। विश्वास तुम मन में करो उधल बचन उतारे नहीं रण सूर योधा बिकट भट संग्राम से हारे नहीं। जरूर आएंगे ऐसी ठीक है। ए भाई आला हाँ मेरी बात सुनो, हमने लड़ाई करते करते बहुत टाइम हो गया, हमारे बस की बात नहीं है। तुम बरड़ी को भूप है और अभिनंदन सरदार अरे बिजन होनी बिन लड़े सो मंडली कहे उतार। बिना आपकी तलवार उठाए ये बलक बुखारा सर नहीं हो सकता है, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा हाँ। ए भैया मलखान सुन कोरल कोपाए भुजबल मेरे थक गए बिने लारवा भाई। क्यों लगो भ्रांत उदल के बिना मलखान मम भुजबल घटो आवे है जिस दम याद कलिया जाते हृदय फटो। इस घड़ी पर उदल बिरन हो तो मेरा कायम कहीं तो भ्रांत मल के मैं समर में पूछ तो खोटो नहीं। अब क्या करूं अटकी कठिन लाचार रल को जाऊंगा तेरे कहे से तज प्रतिज्ञा बिरन तेग चलाऊंगा। भैया आला हाँ। तुमको जरूर जाना है, अब रोने को तैयार हो गए पहले इस बात को नहीं सोचे। क्या करे भैया की अर जब दियो मर भाई और हाय करे अब कहे ना उधल आयो। अब रोने से उधल नहीं आ सकता है तो क्या करें? बिरन मिलनो नहीं मरवा है चाहे हाय कर तुमरे चले बिन पराजय नहीं होगो अभिनंदन समर हो तो मेरी बरनी को राजा हाल मुस्क चढ़ाव तो कुछ बस हमारो ना चले इससे तुम्हें लड़वाव तो। भैया हाँ। मेरी मजबूरी है मेरी बरनी का नहीं नहीं आपको मैं तलवार नहीं उठाने देता। आप जाओ तलवार उठा के अभिनंदन से लड़ाई लड़ो और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। भैया आला हाँ भैया हम लड़ाई लड़ करके आए हैं। अच्छा सब हमने समर जीत लिया है लेकिन अभिनंदन अपनी फौज सजा करके युद्ध के मैदान में आ चुका है। अभिनंदन जो राजा है हमारी बरनी का नहीं है, उसकी बरनी आपकी है। आप तलवार उठाओ और उससे युद्ध करो। ठीक है हम करेंगे। हाँ तो डाल बानो इधर में अभिनंदन और आला की तलवार चल रही है। इधर में उधल अपने घोड़ा को बढ़ाता हुआ एकदम आला के हाथी पर टूट पड़ता है तो आला और उधल का मिलाप हो जाता है।